देखिए फ्रेंड्स, आ गया ना मुंह में पानी। नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्षा सिंह होम फूड में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं सभी को पसंद आने वाली कढ़ाई पनीर की सब्जी। इस नए अंदाज से आप सब्जी को बनाएंगे तो यकीन मानिए आपकी परोसी गई थाली व ऑफिस टिफिन या बच्चों का लंच बॉक्स पूरा फिनिश होकर ही आपके पास आएगा। और आप इसे किसी भी स्पेशल ओकेजन व फेस्टिवल पर इस स्पेशल कढ़ाई पनीर को बनाकर सर्व कर सकते हैं। आइए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा 2 प्याज, 1 टमाटर, 250 ग्राम पनीर, 2 शिमला मिर्च। इन सबको हमने क्यूब्स में काट लिया है। 2 मीडियम साइज प्याज, 4 से 5 लहसुन की कली, 1 अदरक का टुकड़ा, इन सब का हमने पेस्ट बना लिया है। ये 2 टमाटर मीडियम साइज लिए थे मैंने, उनका पेस्ट बना लिया है। सबसे पहले हम अपने पनीर को फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए हमने लिया है 1 पैन, इसमें हम ऑयल डाल देते हैं, ये लगभग 3 से 4 चम्मच होगा। पनीर को हम ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे, हल्का ब्राउन कलर आने तक भूनेंगे। अब हम अपने पनीर को ऊपर वाली साइड से फ्राई कर लेते हैं। फ्रेंड्स, पनीर हमारा सुनहरा हो गया है, इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारे टमाटर सौते हो गए हैं, इन्हें हम बाहर निकाल लेते हैं। आइए फ्रेंड्स, हम अपनी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। ग्रेवी के लिए हमने कुछ खड़े मसाले लिए, 2 तेज पत्ते, 1 चम्मच जीरा, 4 लौंग, 4 काली मिर्च, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 1 चम्मच साबुत धनिया, इन सबको हमने दरदरा कूट लिया है। लेते हैं जीरा, तेज पत्ते, हरे मसाले। मसाले हमारे भुन गए हैं, इसमें कलर भी आ गया है। हम अपने प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। इसे हम गोल्डन ब्राउन कलर आने तक भूनेंगे। हमारी प्याज में कलर आ गया है, इसमें ऑयल भी छोड़ दिया है। इसमें हम टमाटर का पेस्ट ऐड कर देते हैं। ग्रेवी के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। नमक टेस्ट के अनुसार, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कसूरी मेथी,
चम्मच गरम मसाला। अब अपने मिक्सर में थोड़ा सा पानी डालकर इसको सेक कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी हम और डालेंगे। आप कह रहे होंगे वर्षा ये क्या कर रही है, पर आप इस तरीके से पानी में मसाले घोलकर भूनेंगे तो आपके मसाले जलेंगे भी नहीं और इनमें ताजे पिसे मसाले जैसी खुशबू आएगी और आपकी ग्रेवी का टेस्ट होटल और रेस्टोरेंट जैसा हो जाएगा। आइए इसे अब अपनी ग्रेवी में ऐड कर लेते हैं। इस मिक्सर को हम अपनी ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आ गया ना होटल व रेस्टोरेंट जैसा कलर। अब हम इसे ढककर 5 मिनट पकने के लिए रख देते हैं। अब अपनी ग्रेवी चेक कर लेते हैं। ये परफेक्टली कुक हो चुकी है। अब इसमें हम अपनी सौते की हुई प्याज टमाटर शिमला मिर्च डाल देते हैं। वेजिटेबल मसाले में अच्छे से मिक्स हो गया है। इसे हम 2 मिनट और ढक के रख देते हैं।